हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ आयुपैक ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अभी कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या है, राइट? कार्बोनिल कंपाउंड्स इज नथिंग बट द कंपाउंड्स जिसमें कार्बन डबल बॉन्डेड रहता है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड बनाता है, तो इसको बोला जाता है कार्बोनिल ऑक्सीजन। और ये है कार्बोनिल कार्बन। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में। एक तो होता है, एक होता है सबसे पहले जो है अल्डिहाइड्स। अल्डिहाइड्स में ये सी डबल बॉन्ड ओ तो कॉमन ही है, एक अल्काइल ग्रुप रहता है, दूसरी जगह पे एच रहेगा, ओके? तो इसको अल्डिहाइड बोलते हैं। दूसरा है कीटोन, जिसमें सी डबल बॉन्ड वो तो कॉमन है, दोनों जगह पे आइदर सेम या डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स रहेंगे, ओके? देन थर्ड वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी यहां पे एक जगह पे अल्काइल ग्रुप रहेगा और दूसरा अल्काइल या हाइड्रोजन ग्रुप जो भी अल्डिहाइड कीटोन में होता है वो रिप्लेस हो जाता है हाइड्रोक्सी ग्रुप से। इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी इस कार्बोक्सिलिक एसिड के भी वापस से टाइप होते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में क्या होगा, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कोई भी हेलोजन के साथ रिप्लेस होगा। सेकंड एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में असाइल ग्रुप से रिप्लेस होगा, मतलब OH निकलेगा। सो असाइल ग्रुप से ये रिप्लेस होगा। नेक्स्ट इज एस्टर। यहाँ पे जो H है, ये जो H है वो रिप्लेस होगा कोई भी अल्काइल ग्रुप से, या अल्कोक्सी हम लोग बोल सकते हैं, ये टोटल अल्कोक्सी ग्रुप कहलाता है, ओके? देन बाद में आता है जो है अमाइड, जहाँ पे OH विल बी रिप्लेस्ड बाय NH2 अमाइन से, ओके? तो ये सारे इतने सारे टाइप्स हैं और जिनके नेमिंग भी हमें देखने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्डिहाइड से। तो अभी अल्डिहाइड्स जिसका जनरल फॉर्मूला होता है R-CHO कहलाता है वो, और इसको आयुपैक में अल्केनल, अल्डिहाइड ना AL, तो अल्केनल यहाँ पे भी L लगता है, ओके? और अगर टू अल्डिहाइड्स होंगे तो उसको अल्केन डायल, डायल, ओके? सो लेट्स टेक फर्स्ट एग्जांपल। हमेशा कोई भी कंपाउंड जब हम लोग एकदम बराबर से देखते हैं, सबसे पहले उसका फंक्शनल ग्रुप। अभी ये सब हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में देख रहे हैं, तो अल्डिहाइड इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये कार्बोनिल कार्बन है, कार्बोनिल ऑक्सीजन है और उसको H लगा हुआ है। तो यहाँ पे H मतलब ये है अल्डिहाइड, ओके? सो अल्डिहाइड वाला जो कार्बन है उसे भी हम लोग काउंट करते हैं, तो इसको हम लोग देंगे नंबर 1, 2 और उसको लोअर नंबर आना चाहिए 3 and 4। यहाँ पे 3 पे सब्स्टिट्यूशन है जिस वजह से इसका नाम होगा 3-methyl
चार कार्बन है इसके लिए, ब्यूटेनल। ओके, अल्डिहाइड के कार्बन को नंबर वन गिना जाएगा। ओके, अगर अल्डिहाइड ग्रुप किसी बेंजीन रिंग को या कोई भी साइक्लिक रिंग को अटैच्ड है, अभी यहां पे है, सो ऐसे केस में बेंजीनल या साइक्लो अल्केनल ऐसे नहीं होता, यहां पे हम लोग को लिखना है साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। ये बात अच्छे से ध्यान में रखना, साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड ये लगेगा जब कोई भी रिंग को, बेंजीन को या कोई भी साइक्लिक रिंग को अगर ये लगता है तो। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहां पे अगर दो अल्डिहाइड लगे हैं, दो अल्डिहाइड लगे तो कहां से भी नंबरिंग करो वो सेम ही आने वाला है कि 1 2 3 4 5 6, राइट। सो 1 और 6 पोजीशन पे अल्डिहाइड्स हैं, तो उसका पोजीशन देना जरूरी है। तो 1 6 टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स, हेक्सेन डायल, तो इसका नाम होगा 1 6 एक्सेन डायल। तो अल्कोहल जब किया था तो अल्कोहल में कैसे आता था, ये ओएल लगता था। अभी अल्डिहाइड में ये एएल ये लगता है, राइट। अगर तुम लोग को बोला जाए कि थ्री ब्रोमो पेंटेनल ये ड्रॉ करना है, तो अल आया मतलब यहाँ पे अल्डिहाइड है, राइट, और पांच कार्बन है, सो पांच कार्बन ड्रॉ करो। ओके, अब यहाँ पे पोजीशन दिया नहीं है मतलब, और हमेशा ये वाले ग्रुप्स लास्ट में ही रहते हैं, तीन पोजीशन, तो ये नंबर हुआ 1 2 और 3, तो तीन पोजीशन पे यहाँ पे बी आर है, और अभी फिर पूरी वैलेंसी कर देना इस तरह से, तो ये हो गया थ्री ब्रोमो पेंटेनल। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कीटोन्स। कीटोन्स जैसे मैंने पहले बोला था, कार्बोनिल ग्रुप के आजू बाजू में दो अल्काइल ग्रुप रहेंगे, आइदर वो सेम होंगे डिफरेंट होंगे जो भी है। ओके, तो यहाँ पे सेम रूल है कि अल्डिहाइड जैसा ही रूल है, और इसको नॉर्मली अल्केनोन ऐसे बोला जाता है। तो ये ओन, ये देखो ये ओन यहाँ पे, और अगर दो रहेंगे तो अल्केन डायोन। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल। तो हमें मालूम है जो ओपन एंड है वो CH3 है, जो बेंड है वो CH2 है। ओके, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, इधर H नहीं है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, H नहीं है, तो ये कीटोन है। अभी कीटोन वाले कार्बन को हमें, मतलब कीटोन वाले जो, कीटोन वाला जो ग्रुप है इसे कम से कम नंबर आना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 और 5 नंबर आएगा, विच इज रॉन्ग। सो हम लोग नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। सो ये हो गया हेक्सेनोन, 2 हेक्सेनोन या 2 हेक्सेनोन
या फिर हम लोग उसको हेक्सेन टू ओन ऐसे भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे ये ई नहीं आएगा बिकॉज दो वोवल्स एक साथ नहीं आते. सो हेक्सेनोन यहाँ पे देखो, राइट. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब इसमें हम लोग को नंबरिंग देनी है तो हम लोग यहाँ से चालू करेंगे 3, 4, जिसका नाम होगा पहले सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम होगा 3-methyl-2-butanone. राइट. फिर नेक्स्ट नेक्स्ट में लॉन्गेस्ट चेन देखनी है हमें, राइट. तो जनरली बच्चे गड़बड़ इस जगह पे करते हैं कि वो लिखेंगे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे देखो अगर तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये ग्रीन वाला जो है वो राइट है और वाइट वाला, तो हम लोग को हर पॉसिबल जो भी जगह है वहाँ पे देखना चाहिए कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है. अभी यहाँ पे 5 और 6 को सब्स्टिट्यूशन है, तो ये कौन सा वाला सब्स्टिट्यूशन है, CH3 है यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे हुआ तो उसका नाम होगा 5-6-dimethyl-2-heptanone. ओके. अगर एक और एग्जांपल लेते हैं यहां पे, अगर ऐसा है तो इसको साइक्लोहेक्सेन कीटोन नहीं बोलते, सिंपली साइक्लोहेक्सेनोन होगा, नंबरिंग उसका यहां से आएगा. राइट. क्योंकि अगर हम लोग नंबरिंग यहां से कर रहे हैं तो दोनों जगह से 3 और 5 ही आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट. अभी किसको प्रेफरेंस दें, तो हम लोग ये इसमें हम लोग जाएंगे अल्फाबेटिकली, तो अल्फाबेटिकली जाएंगे इसमें और फॉलो करेंगे क्लोरो वाला, क्लोरो को जिधर कम नंबर आएगा. सो वाइट वाला जो है उसमें कम नंबर आ रहा है, तो ये वाला हम लोग रूट फॉलो करेंगे जिससे नाम होगा 3-chloro-5-methyl-cyclohexanone. राइट. और एक देखते हैं, ये तो एकदम ही सिंपल है, साइक्लो वन, वन की पोजीशन देने की जरूरत नहीं, साइक्लो पेंटेनोन, राइट. अगर कोई कंपाउंड में दो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, राइट, तो ये ऑब्वियसली ये डायोन है, तो अब इसके नंबरिंग, इसका नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, पोजीशन कौन सी है कीटोन की, तो 2, 4,
हेक्सेन डायोन, डायोन के टाइम पे ई निकालने की जरूरत नहीं है. ओके अगर हमें दिया होगा कि ऐसे नाम लिखना, ऐसे नाम दिया होगा, फाइव ब्रोमो टू पेंटेनोन, अगर ऐसा दिया है तो कैसे लिखोगे? नोन है यहाँ पे पहले, तो सबसे पहले यहाँ पे नाम ये जाएगा, तो नोन है मतलब कीटोन है, पांच नंबर वाला कीटोन है. तो 1 2 3 4 5 टू पोजीशन पे कीटोन है और फाइव पोजीशन पे ब्रोमो है. बाकी पूरा कर दो. सो नेक्स्ट इज फॉर एसिड्स. अभी एसिड्स जैसे हम लोग ने देखा, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, कार्बोनिल कार्बन को ही OH लगता है. तो इसका नाम IUPAC लिखने के टाइम पे इसका नाम हो जाता है अल्केनोइक एसिड. सो ओइक एसिड ऐसे लग जाता है अल्केन के आगे. ओके अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं. ऑब्वियसली हम लोग कार्बोनिल कार्बन को फर्स्ट नंबर देंगे, तो ये 1 2 3 एंड 4. सो सब्स्टिट्यूएंट कौन सी जगह पे है? 3 पोजीशन पे, तो ये हो गया 3 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड. अल्केनोइक है यहाँ पे, सो ब्यूटेनोइक एसिड. नेक्स्ट देखते हैं. ओके तो यहाँ पे नंबरिंग सबसे पहले जाएगा इसे 1 2 3 4 5, कार्बोनिल कार्बन को पहले जाएगा नंबरिंग. अभी नाम होगा 4 ब्रोमो, पांच नंबर वाले कार्बन एटम है इसके लिए पेंटेनोइक एसिड. ठीक है नेक्स्ट. अगर समझो यहाँ पे है 2 एसिड्स, तो होगा तो यहाँ पे भी सेम है अल्केन डायोइक एसिड, डायोइक एसिड. अभी नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6. ओके सो दिस 1 1 6 हेक्सेन डायोइक एसिड. ओके नेक्स्ट में यहाँ पे भी रिंग स्ट्रक्चर है. ओके तो साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड नहीं होगा यहाँ पे, नाम होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे अल्डिहाइड में हुआ था, कीटोन में नहीं होता. यहाँ पे सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड तुम लोग को लिखना है. अगर ये लोग पूछते हैं, नाम देते हैं कि ये लिखो बाबा 2-ethyl 4-methyl pentanoic acid, तो पेंटेनोइक एसिड, ऑइक एसिड है मतलब ये एसिड है, इसको 5 कार्बन कर दो,
फोर्थ पोजीशन पे, यहाँ पे एसिड है तो ये पहले ही एसिड लिख दो, और ये नंबरिंग के टाइम पे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, सो 2 पोजीशन पे इथाइल है, 4 पोजीशन पे मीथाइल है, और अभी पूरा कर दो। तो ये हो गया 4 methyl 2 ethyl 4 methyl pentanoic acid। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एस्टर्स, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एस्टर। एस्टर को अल्काइल अल्केनोएट और दोनों के बीच में स्पेस, अल्काइल अल्केनोएट के नाम से यूज़ होता है IUPAC में, उसका जनरल स्ट्रक्चर ऐसा होता है OR अल्कोक्सी ग्रुप से, ये पार्ट अल्कोक्सी कहलाता है, उससे रिप्लेस किया है एसिड को। तो अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं तो अभी हमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि अल्काइल कौन सा हो और अल्केनोएट कौन सा हो, राइट? तो अल्काइल जो पोर्शन होता है जो ओ को अटैच्ड हो, तो ये होता है अल्काइल, ओके? और जो कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ हो जो पूरे कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ हो वो होता है अल्केनोएट, राइट? तो अभी इस केस में हम लोग लिखेंगे इसको मिथाइल, दो कार्बन है इसके लिए इथेनोएट, राइट? नेक्स्ट, इसमें अभी यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो है वो अल्काइल है और ये जो है वो अल्केनोएट है, तो यहाँ पे होगा मिथाइल प्रोपेनोएट, दोनों के बीच में जगह होनी चाहिए। आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे एक गलती है, प्रोपेनोएट नहीं होगा बिकॉज हम लोग ने यहाँ पे ये वाला कार्बन कंसिडर ही नहीं किया, राइट? तो इस वजह से इसका नाम होगा मिथाइल ब्यूटेनोएट, राइट? अभी एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें बच्चे कॉमन गलती करते हैं। यहाँ पे होता है ये वाला एक स्ट्रक्चर देखते हैं, अभी यहाँ पे बच्चे हम लोग ने बोला है कि लॉन्गेस्ट चेन देखना है, अभी लॉन्गेस्ट चेन कौन सा देखना है? लॉन्गेस्ट चेन तो होता यूँ है कि स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, अरे यार ये लॉन्गेस्ट चेन है, नहीं, लॉन्गेस्ट चेन वो होनी चाहिए शुड कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, वो इससे हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये होगी, ये नहीं, फिर यहाँ पे भी ये होगी, ओके? तो ऐसे लॉन्गेस्ट चेन हमें गिनना है, तो ये हो गया अल्काइल, राइट? तो ये हुआ यहाँ पे, ये हुआ इथाइल और प्रोपेनोएट, और यहाँ पे होगा प्रोपाइल इथेनोएट, राइट? और अगर दो एस्टर ग्रुप्स हैं, जैसे
अगर दो एस्टर ग्रुप्स हैं तो यहाँ पे डायोएट नहीं लगेगा, यहाँ पे ऐसे लगता है अभी तो ये वाला जो ग्रुप है वो मिथाइल हुआ, अल्काइल ग्रुप हुआ, और ये वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो इसका नाम होता है 1,6 डाइमिथाइल हेक्सेनोइट। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। अभी इसमें ये वाला ग्रुप जो है वो अल्काइल हुआ और ये वाला जो है वो अल्केनोएट, राइट। बट यहाँ पे भी हमें नंबरिंग देनी है तो 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ पे पहले होगा मीथाइल, फिर आएगा 3-ब्रोमो पेंटेनोएट, ओके। और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है उसे ही सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, राइट। तो ये वाला जो है वो अल्काइल है और ये वाला जो है वो अल्केनोएट है। तो अभी इसको बोलते हैं, ये पोजीशन को बोलते हैं क्लोरोमिथाइल, नंबरिंग होगा इस तरह से, सो 1-क्लोरोमिथाइल इथेनोएट। राइट, इस तरह से हम लोग ने ये आयुपैक ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसमें हम लोग ने एल्डिहाइड, कीटोन, देन एस्टर्स, ये सब देखे, एसिड्स। ओके, सो नेक्स्ट इसमें हम लोग आयुपैक अमाइड्स एंड अमाइंस ये देखेंगे। सो इफ यू लाइक द चैनल काइंडली सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। Thank you.